आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल? जायकों के इस शहर में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज इस वक्त हम मौजूद हैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर हो रहा है क्रिकेट मैच, बच्चे खेल रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन हम ये मैच देखने नहीं आए, हम यहाँ पर आए, एक रेस्टोरेंट खुला है यहाँ पर फिशली, और नाम काफ़ी सुना है हमने उसका। और तो आज एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के खाने, देखते हैं कि किस तरह की लाजवाब डिशेस हैं जो लखनऊ वालों के सामने पेश कर रहे हैं ये। और चलते हैं, वक्त को ना ज़ाया करते हैं, चलते हैं जल्दी से अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ के लाजवाब जायकेदार डिशेस। जिस जगह पर हम आपको लेकर आए हैं फिशली, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। तकी भाई, क्या हाल है? बड़े, आप बताएं, आप भाई कहते हैं? बस आपकी दुआएं। ये हमारे तकी भाई हैं और फिशली के मैनेजर हैं, और इन्हीं के कंधों पे बार है पूरा फिशली का। तो कौन कौन सी फेमस डिश हैं आपकी यहाँ पर? आपने अभी हमारा मेन्यू शायद चेक नहीं किया, मैं मेन्यू लेके खड़ा था आपके लिए कि बस आप आएँ। मेन्यू है हमारा मेन्यू, इसमें हमारा जो स्पेशलिटी है वो है हमारी फ़िश एंड चिप जी, हॉट एंड क्रिस्पी फिश। आप इसको एक बार टेस्ट करें, अगर मतलब मैं अभी आपको कराऊंगा, आप एक बार टेस्ट करके देखिएगा, आपको ये टेस्ट मुझे नहीं लगता पूरे लखनऊ में आपको कहीं और भी मिलेगा फ़िश में। तो भाई, अगर देखिए चिकन वगैरह तो आपने फ्राई काफ़ी खाया होगा, अगर आप फ़िश के शौकीन हैं, अगर आप मछली खाना चाहते हैं तो जल्दी से आ जाइए फिशली, और हम तो यहाँ का जायका लेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो भी यहाँ आकर ज़रूर जायका लें। तो बॉस, दिखाई चल के क्या क्या आप क्या बन रहा है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग फिश को क्या करते हैं? सबसे पहले हमारी जो फिश मैरिनेटेड हुई भी आती है उसको हम ब्रीडिंग करते हैं। अच्छा, ये मैरिनेटेड आती है? ये मैरिनेटेड होती है, हमें यहाँ पे ब्रीड उसको ब्रीडिंग करनी होती है। ओके, चलिए ठीक। तो दो पीस हम आपको मैरिनेट करके दिखाएंगे। ठीक, ओके। ये देखिए, ये मैरिनेटेड फिश है, कई सारे इनके इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ये नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ इनकी मोनोपोली होगी कि हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ मोटा मोटा हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा मतलब मैरिनेट हुआ हुआ हमारा बेस किचन से आता है, जो हमारे मैरिनेशन शेफ़ हैं, मतलब जो हेड शेफ़ हैं, वही इसकी रेसिपी जानते हैं, वो रेसिपी वहीं पे बनती है, वहीं पे से सारे सोर्स में सर्कुलेट होती है। यहाँ पे हम लोग जो करते हैं वो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि हमने पहले ब्रीड कर रहे हैं इसको, हॉट ब्रीडर है हमारा, इसमें हम लोग ब्रीडिंग करते हैं। ये हमारा टेस्ट को एक तरह से बहुत ही ज़्यादा एनहेंस कर देता है। ओके, तो ब्रीडिंग करने का प्रोसेस आप देख ही रहे हैं कैसे होता है, पहले हम इसको ब्रीड करते हैं। और ये जो ये पाउडर है, ये क्या चीज़ है? यही है हमारा हॉट ब्रीडर, मतलब इसी में हम लोग इसको एक तरह से, आप इन शॉर्ट अगर देसी भाषा में बोलें तो इसको हम बोल सकते हैं ये है हमारा एक तरह से बेसन। अच्छा, बेसन क्या? हालांकि ये वो है नहीं, लेकिन ये फ्लेक्स है नहीं, फ्लेक्स जैसे हम लोग बेसन का लपेटते हैं। हाँ, बस इसको आप उस एकदम देसी भाषा में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहे वही। लेकिन आप सभी लोग इसको बेसन समझने की भूल मत करिएगा क्योंकि ये कुछ। उसके बाद फिर हम जो है इसको एक बार पानी में डिप करते हैं, चिल्ड वाटर में। हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बिना ग्लव्स के हम कोई भी चीज़ टच नहीं करते। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल पानी में आपने इसको डिप? इसको चिल्ड वाटर में हम करते हैं एक बार डिप 10 सेकंड के लिए, उसके बाद 10 सेकंड के लिए हम इसको हैंग करते हैं जिससे कि पानी इसका ड्रेन हो जाए, और दोबारा से इसको फिर से ब्रीडिंग करते हैं फॉर बेटर रिजल्ट, बेटर आउटपुट। तो देखिए, आपने इनका जो ये देसी बेसन कह लें या फिर इसको आपने क्या नाम दिया था? हॉट ब्रीडर। हॉट ब्रीडर, तो ये हॉट ब्रीडर के अंदर इसको लपेट लिया है और मसाज टाइप में कर दिया इसको। ये देखिए इसका, देखिए क्या बात है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, इसका फ्राइंग टाइम हमारा होता है मुसल्लम हो गया। ओके, तो अब ये डीप फ्राई करेंगे इसको। हाँ, इसको डीप फ्राई करेंगे हम। क्या, अब ये डीप फ्राई होने के लिए जा रहा है। फ्राइंग के लिए हमने 4.5 मिनट 4.5 मिनट
जो एक्सेसिव ऑयल हो फिश के अंदर जो ऑयल सोक कर लेता है वो ड्रेन हो जाए सारा, और कस्टमर को ज़्यादा ऑयली फूड ना मिले, एकदम हेल्दी फूड। देन उसके बाद फिर हम इसको इधर डंप करेंगे, यहाँ पे डंप करेंगे। अगर आपसे क्या आप ज़्यादा ऑयल ना खाएं, तो क्रंची बहुत ही क्रंची लग रहा है, ये खाने में क्रंची होगा। हाँ ओके, इसीलिए इसका नाम ही है हॉट एंड क्रिस्पी फिश। हॉट एंड क्रिस्पी फिश, ये लग रहा है कि मैं कुछ केएफसी में कुछ खाने, जो कि लखनऊ में आपको बहुत कम जगहों पर मिलेगा, और लखनऊ में बहुत रेयरली यहाँ पे मिलता है ये। इसको झींगा मछली भी कहते थे ना। हाँ ये वही है। ओके, जब मैं मुंबई में रहता था तो लोग कहते हैं झींगा खाते हैं, झींगा खाते थे, यही है एक्चुअली में प्रॉन्स। वाह सेम प्रोसेस इसका भी है। अच्छा सेम प्रोसेस। टाइम यहाँ पे और होने वाला है, और जो हमारा प्रॉन्स है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुका है कुक। 3 मिनट तक के लिए, साढ़े तीन मिनट के लिए इसको कुक किया था, और ये वाह ये आपका सीक्रेट कोई मसाला है? हाँ जी, ये हमारा, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसी ये है हमारा स्प्रिंकलर जिससे कि इसका टेस्ट। ठीक है, भी डिशेस बन रही थी किचन में, हमारे सामने आकर लग गई हैं। तो तफी भाई, इतनी सारी डिशेस हमारे सामने लगी हुई हैं, हर एक के नाम हमको नहीं पता हैं, तो आप प्लीज़ नाम बताइए हमको। ये क्या शुरुआत करते हैं यहीं से जी। ये है हमारा प्रॉन्स, बेक प्रॉन्स मैंने बताया था, लेमन बटर प्रॉन्स। जी 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 जी, ये बिल्कुल नॉन स्पाइसी होता है, मतलब अगर कोई ऐसा है जिसको एकदम प्लेन खाना है, नॉन स्पाइसी खाना है और टेस्टी भी खाना है, तो उसके लिए है ये। इसी में हमारी फ़िश भी होती है। अच्छा सेम। और ये है आपका फ़िश मुसल्लम। फ़िश मुसल्लम आपने मुर्ग मुसल्लम सब जगह खाया होगा, फ़िश मुसल्लम कहीं नहीं देखा होगा आप। तो यहाँ पे ग्रेवी टाइप में खा, एकदम न्यू डिश, पहली बार मैं नाम सुन रहा हूँ। आप यहाँ पर ज़रूर आइए फ़िश मुसल्लम खाने के लिए। ये झींगा हॉट एंड क्रिस्पी प्रॉन्स, हॉट एंड क्रिस्पी प्रॉन्स, प्रॉन्स हम लोग इसको झींगा कहते हैं, और आप इसको क्या क्या कहते हैं? हॉट एंड क्रिस्पी प्रॉन्स। और ये क्या चीज़ है? हमारी हॉट एंड क्रिस्पी फ़िश, जो मैंने आपको बताया था टेस्ट करने के लिए शुरुआत में, क्योंकि बहुत बेस्ट, सबसे पहले यही बनी थी। और ये हमारी पेरी पेरी फिश, पेरी फिश जो कोई तीखा खाना पसंद करता है तो उनके लिए ये, भाई जो मिर्चों के शौकीन है, जो तीखा खाना पसंद करते हैं, वो इसको ज़रूर खाएं आकर। और ये हमारा फ़िश टिक्का। फ़िश टिक्का, क्या खुशबू है इसकी। और हम वन बाई वन इसका जायका लेंगे और आपको चेक कर कर बताएंगे किस तरह का जायका है इसका। केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, यहाँ पर आप आ सकते हैं, और मेट्रो स्टेशन के नीचे आप आइए और जायका ज़रूर लीजिए आकर करेंगे। तखी भाई, पहले किस चीज़ का जायका लें? सबसे सबसे पहले आप हमारा हॉट एंड क्रिस्पी फ़िश ट्राई करिए, फ़िश एंड चिप्स जो हमने बताया था आपको। काफ़ी क्रिस्पी है और काफ़ी जायकेदार है ये। कुछ मसाले कुछ ऐसे हैं इसके अंदर जो आपने, कुछ राजदार मसाले इसके अंदर मिले हुए हैं जो आप बताएंगे नहीं कैमरे पर, क्योंकि अलग से एक महक हमें महसूस हो रही है इसकी। नेक्स्ट टिक्का ट्राई कर, पहले फ़िश का ही आइटम आप सारा ट्राई कर लें, फ़िश टिक्का आप सब, क्योंकि जाहिर सी बात है फिशली में बैठे हैं और फ़िश इनकी काफ़ी मशहूर है। अगर आप फ़िश खाना चाहते हैं, लखनऊ में आपको चिकन वगैरह तो फ्राई काफ़ी मिलेगा, लेकिन अगर आप फ़िश खाना चाहते हैं तो फिशली आइए। और हमारे तफी भाई आप लोग का इंतज़ार कर रहे हैं। वाह क्या जायका है, लाजवाब। नेक्स्ट पेरी पेरी फिश।
पैरी पैरी फिश। दोस्तों मैं ज़्यादा मिर्च तो तीखा ज़्यादा नहीं खाता हूँ, मैं टेस्ट लेकर ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा। वाकई कौन सी मिर्च डाली इसके अंदर आप लोगों ने? पैरी पैरी फिश। पैरी 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 जो होती है वो एक मिर्ची होती है, मिर्च होती है जो बहुत तीखी, एक छोटी सी होती है लाल कलर की, मैंने देखी है उसको, बहुत तीखी है ये। प्रॉन्स, हॉट एंड क्रिस्पी प्रॉन्स ट्राई करके देखें। हॉट एंड क्रिस्पी प्रॉन्स दोस्तों ये देखिए आप, दूसरी बार प्रॉन्स खाए मैंने आज। तो कैसे लगे आपको? अच्छे, और क्योंकि मैंने इससे पहले जो खाए थे वो सादे टाइप के थे, जो ग्रेवी टाइप का सालन नहीं होता है, मैंने उस पर खाया। फ्राई मैंने पहली बार खाए, जायका बहुत लाजवाब है। आप एक बार ये ट्राई करके देखें, लेमन बटर प्रॉन्स बेक है ये। लेमन लेमन बटर, जिनको तीखा नहीं पसंद है उनके लिए ये स्पेशली है। लग रहा है अभी पानी से निकले, हाथ से फिसले जा रहे हैं जी। कुछ ना कुछ मसाला आपका ऐसा है जो आप इसके अंदर छुपाए हुए हैं, जो आप नहीं बता रहे हैं। जाहिर सी बात है कैमरे के सामने नहीं बता सकते, हर एक का कोई ना कोई राज होता है, लेकिन जायका अच्छा है इनका। और अगर आप फिश वगैरह खाना चाहते हैं तो जल्दी से आप यहाँ पर आ जाइए। अरशद भाई, हम लोग ने मतलब जो कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो फ़िश नहीं खाना पसंद करते, तो उनके लिए स्पेशली हम लोग ने चिकन भी लॉन्च किया है। अच्छा, तो आप चाहें तो टेस्ट करके देखें। KFC में आपने चिकन खाया होगा, कुड़ुक में चिकन खाया होगा, कई जगह मतलब खाया होगा। पिछली में जो आएगा तो खाली हाथ नहीं लौट के जाएगा। अगर वो फिश नहीं खा सकता, मान ली कई लोग आए, चार पांच लोग आ गए और कोई फिश खाता है और कहेगा मैं फिश नहीं खाता हूँ, तो उनके लिए चिकन वगैरह भी है। आप एक बार चिकन टेस्ट करके देखें हमारा। ये है हमारा चिकन विंग्स, ये है हमारे चिकन लेग्स। यार ये इसकी जो लालपन है, ये इसको किसी चीज़ में फ्राई तो किया नहीं है, तो ये बेक है हमारे, बेक किया है ये। तो देखिए दोस्तों क्या लाजवाब लेग पीस है इसकी, और हल्का सा बाइट लेकर दिखाएं, देखेंगे हम इसको। अभी गर्म है, अभी अभी बस आपके लिए बनवाया है। दोस्तों जब तक हम जायका ले रहे हैं इस लाजवाब खाने का, आप इंजॉय करिए हमारी इस वीडियो का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत से लोग हमारी वीडियो को एंड तक नहीं देखते, हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिए, और कमेंट ज़रूर करें कि क्योंकि कमेंट से हमें हौसला मिलता है, हमको पता चलता है हम क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं। और बस दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। एक स्पेशल मैसेज जो मैं देना चाहूँगा, अगर आप लखनऊ में एक चैनल के माध्यम से हमारे पास आते हैं तो आपको स्पेशल 20% डिस्काउंट देना पड़ेगा। मेरा मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है 300 रुपये की, बट सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, लखनऊ में एक चैनल का आपको स्क्रीनशॉट दिखाना है कि मैंने ये वीडियो देख के आप तक के पहुँचाऊँ। हमारा आउटलेट हज़रत में है, KD सिंह मेट्रो स्टेशन पे। आप यहाँ पे आके इस डिस्काउंट कूपन को अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंट अवेल, थैंक यू।